50 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट है। 15,000 से अधिक मूल वेतन वालों के लिए केंद्र सरकार लाएगी नई पेंशन योजना, इस तारीख को लगेगी मोहर। ईपीएफओ संगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये से अधिक का मूल वेतन पाने वाले तथा कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 के तहत अनिवार्य रूप से नहीं आने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लाने पर विचार कर रहा है। वर्तमान में संगठित क्षेत्र के वे कर्मचारी जिनका कि मूल वेतन जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता दोनों शामिल हैं, यदि उनका 15,000 रुपये तक है तो उन्हें अनिवार्य रूप से ईपीएस 95 के तहत माना जाता है और उन्हें अनिवार्य रूप से ईपीएस 95 का मेंबर बनना होता है। लेकिन जो खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है उस खबर के अनुसार ईपीएफओ के सदस्यों के बीच ऊंचे योगदान पर अधिक पेंशन की मांग की गई है और इस प्रकार उन लोगों के लिए एक नया पेंशन उत्पाद या योजना लाने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। जिनका कि मासिक मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक है उन कर्मचारियों के लिए भी केंद्र सरकार एक नई पेंशन योजना लेकर आने वाली है। नए पेंशन उत्पाद पर प्रस्ताव 11 और 12 मार्च को गुवाहाटी में ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय यानी कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीडीटी की बैठक में लिया जाएगा। बैठक के दौरान सीबीटी द्वारा नवंबर 2021 में पेंशन संबंधी मुद्दों पर गठित एक उप समिति भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे ईपीएफओ अंशधारक जिन्हें 15,000 रुपये से अधिक का मासिक मूल वेतन मिल रहा है लेकिन वो ईपीएस 95 के तहत 8.33% की कम दर के हिसाब से योगदान कर पाते हैं, इस तरह उन्हें कम पेंशन मिलती है। ईपीएफओ ने वर्ष 2014 में मासिक पेंशन योग्य मूल वेतन को 15,000 रुपये तक सीमित रखने के लिए योजना में संशोधन किया था। बाद में मासिक मूल वेतन की सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की मांग की गई और उस पर भी विचार विमर्श किया गया, लेकिन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई और उद्योग के अनुसार पेंशन योग्य वेतन बढ़ने से संगठित क्षेत्र के 50 लाख और कर्मचारी ईपीएस 95 के दायरे में आ जाएंगे। और आगे यहां पर बताया गया कि एक नए पेंशन उत्पाद की आवश्यकता है जो या तो कम योगदान करने के लिए मजबूर हैं या जो इस योजना की सदस्यता नहीं ले सके हैं क्योंकि सेवा में शामिल होने के समय उनका मूल वेतन 15,000 रुपये से अधिक था। तो अब यहाँ पर केंद्र सरकार एक ऐसी नई पेंशन योजना लेके आने वाली है जिसमें उन सभी कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा जिनका कि न्यूनतम वेतन यानी कि मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता 15,000 रुपये से अधिक है, उनको भी अब ईपीएस 95 के तहत कवर किया जाएगा, उनको भी न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलने वाली है। तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण और फायदेमंद कदम ईपीएफओ के द्वारा उठाया जा रहा है जिस पर कि गुवाहाटी में 11 और 12 मार्च को होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में फैसला लिया जाएगा। तो केंद्र सरकार के इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।